अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है जी। मैं मोहम्मद अहमद नज़ीर। और भाइयों, आज था मेरा यूके के अंदर फर्स्ट जॉब इंटरव्यू। आप लोग कह रहे होंगे पहले भी स्कूल में पढ़ाता हूँ तो ये फर्स्ट जॉब इंटरव्यू का मतलब है वो पीजीसी की ट्रेनिंग के दौरान हम लोगों की जो प्लेसमेंट होती है वो तो होती है कि आपने प्लेसमेंट ए में स्कूल में जाना है, प्लेसमेंट बी में स्कूल में जाना है। जैसे ही आपकी फर्स्ट टर्म कम्प्लीट होती है, आधी ट्रेनिंग कम्प्लीट होती है, तो आपको एक टीचर रेफरेंस नंबर दे दिया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की तरफ से। फिर आप अपनी सीवी सेटअप करने के बाद अपने नियर बाय स्कूल के अंदर आने वाला जो सेशन है, यहाँ पे जो सेशन है वो स्टार्ट होता है सितंबर के अंदर, उसके लिए आप अपनी जॉब वैकेंसीज के लिए अप्लाई करते हैं। तो जो GCSE लेवल तक हम एज अ साइंस टीचर कंसिडर किए जाते हैं, इस बात का मतलब ये बनता है कि हमें फिजिक्स भी पढ़ानी है, हमें केमिस्ट्री भी पढ़ानी है और हमें बायोलॉजी भी पढ़ानी है। सिक्स फॉर्म के लिए, मतलब जो ए लेवल्स के स्टूडेंट हैं, उनके लिए आप स्पेशलाइजेशन में भी जा सकते हो। फिजिक्स टीचर, मैं बार बार ये बात आपको रिपीट करता हूँ कि इंटरनेशनल बहुत से लोगों को फिजिक्स टीचिंग के लिए ही बुलाया जाता है, इसलिए यहाँ पे जो फिजिक्स टीचर हैं उनकी डिमांड या उनकी एप्लीकेशन पहले रिव्यू की जाती है। तो अभी मैं आप लोगों के साथ एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ जिस स्कूल में मैं अभी गया था। स्कूल का नाम द चार्टर स्कूल था, सनग्लेट के अंदर आता है, रेडिंग से ये कोई 30 मिनट के डिस्टेंस पे था। मैं ट्रेन लेके पहुँचा यहाँ पे और आने जाने की जो मेरी ट्रेन का टिकट था मुझे अराउंड 10 पाउंड पड़ा है। और फिर स्कूल से ट्रेन का जो डिस्टेंस है वो भी वॉकिंग डिस्टेंस 10 to 15 मिनट्स है। खैर, स्कूल के बारे में जैसे कि हम अपनी कंट्री में सुनते थे पहले पाकिस्तान में कि यार बाहर ना ऐसे स्कूल होते हैं जहाँ पे बच्चे को लाइफ स्किल्स सिखाई जाती हैं, बट मैं बहुत कम स्कूल में ऐसा देखा जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा। बट जब इस स्कूल में आज मैं आया, और सबसे मज़ेदार बताता हूँ कि बच्चों ने, ईयर 7 की दो स्टूडेंट ने मुझे स्कूल का विज़िट करवाया, उसमें मुझे जो पॉजिटिव चीज़ सबसे पहले लगी वो ये लगी कि अगर कोई हेड मुझे स्कूल का विज़िट करवाता तो वो बच्चे प्रिटेंड भी कर सकते थे कि ये जो अच्छा बिहेव कर रहे हैं, बट दो बच्चे आपको पूरे स्कूल का विज़िट करवा रहे हैं, आपको चीज़ें एक्सप्लेन कर रहे हैं। एक तो बच्चों के लिए अप्रिसिएशन के भाई इतना अच्छा कॉन्फिडेंस कि वो किसी गेस्ट को या न्यू टीचर को पूरा स्कूल विज़िट करवा रहे हैं और चीज़ों के बारे में जानते हैं और बता रहे हैं। इसका मतलब है हर बच्चा जो स्कूल में है उसको अपने स्कूल के बारे में जो नॉलेज है वो सारा पता है कि कहाँ पे वेलबींग डिपार्टमेंट है, कहाँ जिमनेजियम है, कहाँ गेम्स हैं, कहाँ आपके कॉमन रूम्स में मौजूद हैं, कहाँ पे कौन सी लैब मौजूद है। अब आते हैं लैब्स पे। कोई भी स्कूल हो, छोटा बड़ा, पाकिस्तान में या इधर उधर, हर स्कूल में आपने ये चीज़ देखी होगी कि साइंस लैब्स तो होती हैं, ऑपरेटर्स कम ज़्यादा होते हैं। बहुत अच्छी साइंस लैब कंसिडर की जाती हैं जिनमें ऑपरेटर्स ज़्यादा हो, और वो बुरी कंसिडर की जाती हैं जिनमें ऑपरेटर्स ना हो। बट यहाँ पर मैंने जो लैब्स देखी वो साइंस लैब्स तो थी, फुली इक्विप्ड थी, बट उसी के साथ साथ लाइफ स्किल्स के लिए भी थे। अब लाइफ स्किल्स में IT आ जाता है, और मोस्टली हम लोगों ने IT डिपार्टमेंट में देखा है कुछ डेस्कटॉप पड़े होते हैं और बस फिर उसको IT कहा जाता है। लेकिन बाकायदा वहाँ पे रिबोटिक्स टेक्नोलॉजी को भी दिया गया, बच्चों के बनाए हुए प्रोजेक्ट डिस्प्लेड थे और टीचर क्लास ले रहा था और प्रैक्टिकली वो चीज़ें कोडिंग कर रहे थे, स्कूल लेवल की बात कर रहा हूँ। फिर उसके बाद नेक्स्ट रूम में जब एंटर हुआ तो भाई जो हम लोग पाकिस्तान में देखते हैं ना कि लकड़ी काटी जा रही है, फर्नीचर बनाया जा रहा है, ये चीज़ें बच्चों को बेसिक लाइफ स्किल्स में स्कूल के अंदर सिखाई जाती है कि अगर घर के अंदर कोई इस तरह का इशू हो जाता है तो उसको बगैर किसी की हेल्प के वो कैसे फिक्स कर सकते हैं। देन ड्रामेटिक्स क्लब स्कूल के अंदर मौजूद है, टीचर रिहर्सल करवा रहे हैं, उनके सिलेबस में भी ये चीज़ मौजूद है। उसके बाद म्यूज़िक रूम भी है, सिंगिंग के लिए है और इंस्ट्रूमेंट्स के लिए भी है। उसके बाद जिमनेजियम भी है, उसके बाद आपके बास्केटबॉल के, स्क्वैश के, टेनिस के, हर तरह के कोर्ट्स मौजूद हैं, फुटबॉल का ग्राउंड मौजूद है, क्रिकेट का ग्राउंड मौजूद है, लाइक एवरीथिंग। उसके बाद कैंटीन में ये है कि जो ये 11 तक के स्टूडेंट के लिए अलग कैंटीन है, ये 6th फॉर्म के बच्चों के लिए अलग कैंटीन और अलग बिल्डिंग मौजूद है। और आप यकीन करें ड्यूरिंग द ब्रेक टाइम बच्चे बड़े काम कूल, कोई बिहेवियर का इशू नहीं है, कोई टीचर इधर उधर भाग नहीं रहा कि बच्चे तंग कर रहे हैं, टीचर अपने अपने स्पॉट पे खड़े हैं अगर किसी की ड्यूटी है, लेकिन कोई शाउट नहीं कर रहा, कोई मिस नहीं, लाइक ओवरऑल बिहेवियर तो बहुत अच्छा था। और दूसरी चीज़ में लैब, और थर्ड चीज़ जो सबसे ज़्यादा इम्प्रेसिव थी वो ये थी कि भाई एक डिपार्टमेंट है जहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे डाइवर्सिटी ऑफ द स्टूडेंट है, हर रिलीजन है, सबकी रिस्पेक्ट है, तो वहाँ पे हर
रिलीजन को डील करने के लिए एक अलग टीचर मौजूद है कि बच्चा किसी भी रिलीजन के बारे में अपने स्कूल से सीख सकता है। तो ये चीज़ें ने डेफिनेटली मुझे अट्रैक्ट किया, मैं तो यार बड़ा इम्प्रेस हुआ स्कूल से। होपफुली आपके भाई ने भी उनको कुछ इम्प्रेस कर दिया हो और इंटरव्यू अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रहा। बाकी जो अल्लाह का मंजूर और अल्लाह ने अगर हमारे हक में इसको बेहतर रखा तो इंशाल्लाह हो जाएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा और आई ऑलवेज रिकमेंड टू द पीपल कि अगर आप टीचर हैं तो आप PGC के लिए आएँ, अपना टीचिंग में जॉब अपना करियर स्टार्ट करें। और मैं आप लोगों के साथ वही चीज़ें डिस्कस कर सकता हूँ जो मुझे पता है, अगेन बार बार यही कहता हूँ, इसलिए जिस जॉब के बारे में मेरा अच्छा नॉलेज है मेरी कोशिश होती है मैं आपको वही बताऊँ। अपना ख्याल रखिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो MMA नज़ीर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिस अकाउंट पर भी आप मौजूद हैं इसको भी फॉलो कर लें। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।